व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सब भाइयों का आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स विद आकाश। सो भाइयों, मैं सुबह से बैठा था और मैंने सोचा कि कहीं चला जाए, तो मैं चंद्रिका देवी टेंपल की तरफ जा रहा हूँ घूमने। तो मिलते हैं वहीं पहुँच कर और आप लोगों को दिखाता हूँ कितना अच्छा भव्य मंदिर है। तो भाइयों चलते हैं। तो मिलते हैं गाइस माँ चंद्रिका देवी के मंदिर पहुंचकर। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ चंद्रिका देवी धाम। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितना मज़ेदार यहाँ का व्यू है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको दिखाता हूँ माँ चंद्रिका देवी मंदिर। आस्था का प्रतीक है जो, और कहीं बैठकर आपको पूरा यहाँ का इतिहास बताता हूँ क्या है, कैसे ये मंदिर बना। तो मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, अभी आप लोगों को दिखाऊँगा। गाइस मंदिर जाने से पहले मैं प्रसाद ले लेता हूँ। भैया एक प्रसाद कर देना, आप देख रहे होंगे भैया जी एक डलिया में प्रसाद दे रहे हैं, तो मुझे प्रसाद मिल गया है। तो चलते हैं भाइयों मंदिर की तरफ और दिखाते हैं आपको माँ चंद्रिका देवी, बहुत ही प्यारा है। तो भाइयों मैं आ गया हूँ माँ चंद्रिका देवी मंदिर के सामने और दिखा देता हूँ आपको, ये है गेट। तो मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, आप लोग देखते रहिए। तो मैं आ गया हूँ, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत लेकर आते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं और झोली भर कर ले जाते हैं। तो चलता हूँ मैं। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं माता के दरबार में एक चुनरी बांध के जाते हैं। इसे माना जाता है कि आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो ज़रूर पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने के बाद आते हैं और अपने प्रसाद में मंदिर पर एक घंटा बांधते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ कितने सारे घंटे बंधे हैं। तो यहाँ श्रद्धालु अपना मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पर घंटे बांधते हैं, जिसकी जैसी इच्छा हो, कोई छोटा बांधता कोई बड़ा बांधता है। तो भाइयों आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है माँ चंद्रिका देवी मंदिर जो ही बहुत ही प्यारा और सुनहरा है। और यहाँ पर देख लीजिए दोनों तरफ कितनी भीड़ है। यहाँ माता के दरबार में लोग आते हैं बहुत दूर दूर से अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए। तो चलिए मैं भी जाता हूँ माता के दर्शन करने। तो भाइयों मैं लाइन में लगा हूँ और यहाँ पर कोरोना काल का समय चल रहा है तो मास्क ज़रूरी है, तो मैं मास्क भी लगा लेता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कितनी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे। तो घंटा बजाते हुए भाइयों हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, आप लोगों को दिखा दूँ माँ चंद्रिका देवी, देख रहे होंगे आप। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना ही देता हूँ। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दरबार में आकर मन्नतें मांगते हैं और ये चुनरी की गांठ बांधते हैं, और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद परिसर में आकर मंदिर के परिसर में आकर घंटा बांधते हैं। तो आप, मैं बाहर आ गया हूँ मंदिर के, आप लोगों को दिखा देता हूँ।
बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो यहाँ तो मैंने दे रहे हैं भैया, दे रहे हैं, बस रुक जाइए। तो मैंने एक टीका लगवा लिया है और मुझे दक्षिणा भी देना है कुछ पैसे, तो मैं दे देता हूँ। तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ और कुछ आगे, तो चलता हूँ मैं आगे की ओर और दिखाता हूँ आपको, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि चुनरियाँ लोग बहुत ही ज़्यादा बांधते हैं यहाँ। मैंने उस लड़के को पैसे दे दिए हैं और आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ चुनरियाँ कितनी बांधी जाती हैं। लोग अपनी मन्नत यहाँ चुनरी बांधकर माता जी को। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मंदिर बहुत ही पुराना है और ये आस्था का प्रतीक माना जाता है, नव दुर्गा मंदिर। भाइयों, चंद्रिका देवी मंदिर की महिमा अपरंपार है। गांव वालों के मुताबिक बताया जाता है कि यहाँ अपने वनवास के दौरान पांडव भी द्रौपदी के साथ यहाँ तीर्थ स्थल पर आए थे और पांडवों ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, जिसमें एक घोड़ा छोड़ा गया था। यहाँ के तत्कालिक राजा हंसध्वज ने उस घोड़े को पकड़ा था तो युधिष्ठिर को उनकी सेना के साथ युद्ध करना पड़ा था। तो फिर यहाँ अक्सर श्रद्धालुओं को तांता लगा रहता है, तो सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ माता के मंदिर में, अपनी मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद मंदिर के परिसर में आकर घंटा बांधते हैं और चुनरी भी बांधते हैं। तो गाइस आपको दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें, मंदिर की तरफ जाता हूँ मैं। भाइयों, इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ अमीर हो या गरीब, उच्च हो या निम्न, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। सब लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और झोली भर कर ले जाते हैं। उच्च या निम्न कोई यहाँ मायने नहीं है। आप लोगों को दिखा देता हूँ शंकर जी की जो विशाल मूर्ति है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो चलते हैं। भाइयों, मैं आ चुका हूँ महादेव जी की मूर्ति के पास। ये है वहाँ ऊपर जाने का रास्ता मूर्ति के पास, तो मैं जा रहा हूँ शंकर जी के दर्शन करने। आप लोगों को भी दिखाता हूँ, बहुत ही विशाल मूर्ति है और ये एक तालाब है, उसमें बनी है ये मूर्ति तालाब के बीचों बीच। तो देखिए आप लोग, देखिए आप लोग, बहुत ही आकर्षक मनोहरण चित्रण है यहाँ का। तो ये बहुत ही विशाल मूर्ति है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, बहुत ही विशाल मूर्ति है शंकर जी की। तो मैं यहाँ प्रसाद चढ़ा देता हूँ, यहाँ सभी लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तब तक आप शिव जी के दर्शन कीजिए, बहुत ही पुरानी मूर्ति है। तो भाइयों, मैं प्रसाद चढ़ाने जा रहा हूँ। सर, 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 सर। चलते हैं भैया, आप लोगों को और कुछ दिखा देता हूँ, कितनी ज़्यादा भीड़ है और श्रद्धालु आए हैं यहाँ प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो गाइज मैं यहाँ शिव जी के दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूँ और कुछ देखने। यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हैं चारों तरफ, देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो चलता हूँ गाइड्स। तो भाइयों, यहाँ ऑस्ट्रिच भी हैं शुतुरमुर्ग, तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ शुतुरमुर्ग। तो जा रहा हूँ, आ गया हूँ, तो दिखा देता हूँ आपको ऑस्ट्रिच। एक ही है शायद यहाँ पर, तो आप लोग देखिए। तो भाइयों देखिए, ऑस्ट्रिच एक ही है यहाँ पर और
पता नहीं कहाँ हैं सब, इस समय तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4-5 तो ऑस्ट्रिच रहते ही हैं, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। तो भाइयों देखिए ऑस्ट्रिच, तो ये अकेला है, यहाँ अकेले ही घूम रहा है, इसका साथी नहीं है। तो चलते हैं भाइयों मंदिर की तरफ और कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए गाइस, इसकी चोंच देखिए कितनी ज़्यादा नुकीली है, तो मुझे दूर ही रहना होगा। ये कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है हम लोग, लेकिन कुछ लाए नहीं है। अगर जंप मार दी ना कसम से। भाइयों मैं आ चुका हूँ प्रसाद चढ़ा के, अब आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ जो दुकानें लगी हैं, तो यहाँ सब लोग यहाँ से प्रसाद ले जाते हैं। और देखिए हमारे साथ हमारा भाई भी आया था जो घूम रहा है मेरे साथ ही, काफ़ी मदद कर रहा है मेरी, पबजी भी खेल रहा है, यहाँ बैठ कर पबजी खेल रहा था माता के दर्शन करने के बाद। तो देखिए यहाँ कितनी भीड़ है, सब लोग प्रसाद ले रहे हैं, मैं भी कुछ ले लेता हूँ घर ले जाने के लिए। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना मांगने के लिए, तो आप लोग देख रहे होंगे। तो हम लोग 3 लोग आए थे गाइस, देख लीजिए आप लोग, ये हमारे बड़े भाई हैं और वो छोटा। हम लोग अभी कुछ प्रसाद वरसाद लेकर घर की तरफ जाएंगे। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को दुकानें चलते चलते, देखिए क्या ले रहे हैं भैया, ये क्या लिए भैया जी ने, हमारे कंघा लिया है वो। आप लोग देखिए कितनी प्यारी दुकानें सजी हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। आप भी आइएगा आज, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दुकानें देखिए, कुछ भी आप लोग खरीद सकते हैं यहाँ से, अच्छे दामों में और कम दामों में मिल जाती हैं चीज़ें यहाँ पर। तो भाइयों हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हमें भूख भी लगी है, तो हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ फिर। भैया मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट पे, तो यहाँ देखते हैं कुछ मिलता है तो खाते हैं, जाकर बैठते हैं। देखिए आप लोग, तो यहाँ बहुत सारी चेयर्स पड़ी हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। तो बैठते हैं और ऑर्डर करते हैं कुछ। और रेस्टोरेंट में एक और चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ खरगोश भी रखे हैं पिंजड़े में, देखिए आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा खरगोश है। रेस्टोरेंट में वैसे ये चूहे खरगोश कोई रखता नहीं है। हेलो हेलो, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। तो चलिए मैं खा लेता हूँ कुछ। गाइस हम लोगों का ऑर्डर आ गया है और आप लोग देख रहे हैं ये खस्ता है, तो खाते हैं को कर दिया सस्ता, मुझे लग रहा है बहुत ही टेस्टी है, तो चलिए खाते हैं तब तक। तो भाई काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को भूख लगी थी, तो हम लोग खा रहे हैं और साथ में चाय भी पी रहे हैं क्योंकि ठंडी आज बहुत है। आप लोग देखिए खाइए, भैया जी क्यों बैठे, लीजिए। हाँ। ये तो खा रहा है चुपके से। हाँ, मीठी भी डाल दी। ये खस्ता है, ये पकौड़िया गरम गरम, खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। गाइस मैं खा चुका हूँ और बिल भी पे हो गया है, तो निकलते हैं अब घर की तरफ, घर जा रहा हूँ गाइस मैं अब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये माँ चंद्रिका धाम कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।